हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब कोई अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका विकास सिस्टम आईटी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको आईटी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी नोटिफिकेशन एनसीबीटी बोर्ड के द्वारा जो रिलीज़ की जाती है वो मिल जाती है, या फिर आईटीआई के लिए कहां कहां वैकेंसी आया हुआ है वो इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाता है। तथा साथ में ही आईटीआई के ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि सीबीटी के बारे में, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के वीडियोस भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, या तो आप स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब खोज रहे हैं, ठीक है, तो आप दोनों के लिए हमारा चैनल काफ़ी उपयोगी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आज हम बात करेंगे कि हाँ, कहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। उससे पहले भी बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है, जैसे कि मारुति सुजुकी का, उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है। एक कल परसों तक इसका लास्ट डेट है। तो जिन्होंने मारुति सुजुकी में काम करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, और मारुति सुजुकी में जाकर के आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। FCI 2 तारीख से ऑनलाइन हो रहा है, तो जो FCI में काम करना चाहते हैं इस वीडियो को देख लीजिएगा, कैसे कैसे अप्लाई करना है सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। BDL में भी वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वैकेंसी है, जैसे जो रेलवे में काम करना चाहते हैं, अप्रेंटिस करना चाहते हैं रेलवे में, तो SC CR में आया हुआ है, वो वहाँ पर जाकर अप्लाई कर दें। तो हमारे इस चैनल पे बहुत सारे आपके अप्रेंटिसशिप और परमानेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं जो मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ आपको सिलेबस रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाते हैं, ठीक है। हालांकि बीच में अभी थोड़ा सा बनाना उसको मैं बंद कर दिया था, ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम था नहीं और बच्चे ज़्यादातर एग्ज़ाम में ही वो पढ़ते हैं। तो ऐसे आप जाइएगा तो नीचे की तरफ जाइएगा तो नीचे आपको मिल जाएगा। देखिए, जैसे ये है फिटर थ्योरी के क्लास है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास है, ठीक है। ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का क्लास है, ठीक है, ये फिटर थ्योरी के क्लास है। तो ये अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं, यह जो वैकेंसी निकल के आ रहा है वह है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से। किससे है दोस्तों? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से, ठीक है। ये मणि रत्ना कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट की एक कंपनी है जिसके अंदर ये काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वैकेंसी है, वर्कमैन रिक्वायरमेंट ITI डिप्लोमा पास परमानेंट जॉब, मतलब ITI और डिप्लोमा पास दोनों के लिए यहाँ पे अभी वैकेंसी आया हुआ है, ITI और डिप्लोमा दोनों के लिए। तो आप दोनों यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे कैसे क्या भरना है, कौन सा पोस्ट है। तो नेम ऑफ द पोस्ट वेल्डर कम फिटर, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, ये है। इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है वो पास इन SLC ITI, ठीक है, ITI होना चाहिए आपका NCVT से, ठीक है। साथ में अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए, यानी कि अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो आपके लिए यह जॉब है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप वीडियो को लाइक करके इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर के लिए यह नहीं है। कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें 5 साल का, वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है यह मांगा गया है। ये लगभग लगभग हर पोस्ट के लिए है। आपका वेल्डर कम फिटर में भी देखिएगा तो मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन पाइप फिटिंग में मांगा गया है, ठीक है। इसके लिए भी SLC और ITI चाहिए क्वालिफिकेशन। वेल्डर में भी SLC मतलब 10वीं, ठीक है, साथ में ITI चाहिए, ठीक है, और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, ये लगभग लगभग सारे पोस्ट के लिए, बहुत सारा पोस्ट है सारे पोस्ट के लिए। अगर जैसे ये है आपका सीट मेटल काम के लिए भी है, तो सब में 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया। फिटर में यहाँ भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और प्लीज़ अगर स्किप कर रहे हैं तो लाइक करके ही रहिएगा, क्योंकि आप मतलब वीडियो आप लोग के लिए काम के लिए ही मैं बनाता हूँ, और आपके लाइक का बहुत ज़रूरत रहता है हमें। देखिए, जिसको पे स्केल जो रखा गया है वो 22,500 से लेकर 73,500 तक का रखा गया, जिसमें बेसिक सैलरी जो है आपका 22,500 है, DA 30% है, HRD 18% है, अदर अलाउंस 3800 रुपये, और टोटल 37,105 रुपये आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि पेंशन स्कीम है, प्रोविडेंट फंड है, PF है, ठीक है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज है, तो बहुत सारा मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। तो ये इतने बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। तो अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया जो है वो 35 साल से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सिलेक्शन मेथड जो है, मेथड ऑफ सिलेक्शन, फेस वन में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट एक लिया जाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। दूसरा प्रैक्टिकल टेस्ट है डिटेल अंडर ये जो दिया हुआ है आपका सीनियरशिप ड्राफ्टमैन इन वेरियस डिसिप्लिन, मतलब अगर आप ऑनलाइन का जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें अगर पास हो जाते हैं तो फिर आपका बुला करके वहाँ पर इन लोगों के अंडर में, ठीक है, एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सीनियरशिप ड्राफ्टमैन वेरियस डिसिप्लिन है, जनरल नॉलेज 5, जनरल इंग्लिश 5, रीजनिंग 5, ये आपका सिलेबस है जो ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा उसका सिलेबस है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ये एप्लीकेशन फ़ीस जो है इसका 400 रुपये रखा गया जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है तो आपको इस वाले वेबसाइट पे जाना है, ये जो www.coachingshipyard.in है वहाँ जाना है, फिर कैरियर सेलेक्ट करना है, कैरियर सेलेक्ट करके CSL कोचिंग सेलेक्ट करना है और फिर वहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से भी जा करके भर लीजिएगा। देखिए अगर आपको कोई नोटिफिकेशन मतलब अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां से आप जा करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाकर भर ही दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और गवर्नमेंट के अंडर में परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। तो भर दीजिएगा, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।